अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं। हमारे पास पांच ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कहते हैं। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग और प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। आइए इनको हम वन बाय वन तफसीलन समझने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, आप सब लोग प्रोडक्ट लाइन को तो जानते हैं ना। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक समझा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफर करती है उसको उसकी प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। प्रोडक्ट लाइन की डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं, लेकिन मैं आसानी के लिए कहूंगा कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सोप ऑफर कर रही है और मल्टीपल उसमें प्रोडक्ट आइटम्स हैं तो वो उसकी एक प्रोडक्ट लाइन है। शैम्पू ऑफर कर रही है तो वो दूसरी प्रोडक्ट लाइन है। डिटर्जेंट्स ऑफर कर रही है तो वो उसकी तीसरी प्रोडक्ट लाइन है। इसी तरह से एक कंपनी अगर शर्ट्स ऑफर कर रही है तो शर्ट्स उसकी एक प्रोडक्ट लाइन है, ट्राउजर्स उसकी दूसरी प्रोडक्ट लाइन है, टायर्स उसकी तीसरी प्रोडक्ट लाइन है, सूटिंग उसकी चौथी प्रोडक्ट लाइन है, बेल्ट्स उसकी पांचवीं प्रोडक्ट लाइन है। तो ये डिफरेंट जो प्रोडक्ट रिलेटेड ऑफर की जाती हैं वो प्रोडक्ट लाइन कहलाती है। अच्छा, बाज़ुकात आप जो प्राइसिंग करते हैं अपनी, उसमें आप करते ही हो पूरी प्रोडक्ट लाइन को सामने रखते हो, क्योंकि एक प्रोडक्ट लाइन में जो डिफरेंट प्रोडक्ट आइटम्स होती हैं उनका पर्पज एक नहीं होता। वो असल में हर मिसाल आपने चार किस्म के सोप ऑफर करते हैं, आप उन चारों के सेगमेंट्स डिफरेंट होंगे। ये नहीं होगा कि वो एक ही सेगमेंट को आप चारों प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। इसी तरह से पर्पज डिफरेंट होते हैं हर प्रोडक्ट लाइन के। तो जब आप करते क्या हो कि आप फुल प्रोडक्ट लाइन को सामने रख के जब प्राइसेस सेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, आइए एक नजर उसको भी देख लेते हैं। टेक्स इंटू अकाउंट द कॉस्ट डिफरेंसेस बिटवीन प्रोडक्ट्स इन द लाइन, वही बात, कस्टमर एवेल्युएशन ऑफ देयर फीचर्स एंड कंपेरिटर्स प्राइसेस। यानी आपकी कुछ उस लाइन में सस्ती प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, कुछ महंगी हो सकती हैं, तो आप देखते हैं कि प्रोडक्ट्स के कॉस्ट डिफरेंसेस, फीचर डिफरेंसेस और कंपेरिटर्स के जो डिफरेंसेस हैं उसकी रोशनी में आप उनको तय करते हैं। होप आपको प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम देखते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या चीज होती है। देखें, ये करती ये हैं कंपनीज कि वो एक प्रोडक्ट को बेस प्राइस पे ऑफर कर देती हैं। एक बेस वर्जन होता है प्रोडक्ट का जो आपको अवेलेबल है, उसके बाद बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो वैल्यू एडेड होते हैं, और उसमें होता यह है कि आपको हर फीचर को ऐड करवाने की ऑप्शन होती है। हर नया फीचर आप ऐड करते हैं तो उससे आपके प्राइस में इजाफा हो जाता है। अच्छा, अब कंपनीज ये करती क्यों हैं? कंपनीज इसलिए करती हैं कि अगर वो फुल ऑप्शनल वाली प्रोडक्ट की प्राइस फेस पे ऑफर कर दें तो बाज़ुकात वो इतनी ज्यादा लगती है कस्टमर को कि कस्टमर प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट रखने के लिए एक बेस प्रोडक्ट देते हैं और उसका बेस प्राइस रखते हैं और बाद में फीचर्स उसकी ऑप्शंस में डाल देते हैं। मैं इसकी एक टिपिकल मिसाल आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से देता हूं कि एक गाड़ी है, वो कंपनी ने एक बेस प्राइस पे ऑफर कर दी है। अच्छा, अब उसमें कंपनी कह रही है कि अगर आपने इसमें सॉलिड व्हील्स की जगह अलॉय व्हील्स लेने हैं तो ये पैसे ऐड हो जाएंगे, इसमें अगर आपने नेविगेशन सिस्टम ऐड करना है तो ये पैसे ऐड हो जाएंगे, इसमें अगर आपने ट्रांसमिशन को ऑटो करवाना है तो ये पैसे ऐड हो जाएंगे, अगर आपने इसमें इंटीरियर को मैचिंग करवाना है तो ये पैसे ऐड हो जाएंगे। यानी आप जितने फीचर्स ऐड करते जाएंगे उतने पैसे ऐड होते जाएंगे। और बाज़ुकात ये होता है कि जब आप फुल ऑप्शंस ऐड कर लेते हो तो वो बेस प्राइस से 30-35% ऊपर चली जाती है चीज। लेकिन ये कंपनीज इसलिए ये करती हैं ताकि कम से कम बेस मॉडल बिकता रहे और उनकी प्रोडक्ट अनकम्पेटिटिव ना हो जाए मार्केट के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। ग्रेट, आइए अब हम चलते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग की तरफ। लफ्ज कैप्टिव का क्या मतलब होता है? कैप्टिव का लफ्ज सुना है कभी आपने? सुना होगा जनाब। कैप्टिव कहते हैं कैदी को, जो कैप्टिव होता है कहीं पर, जो कैद होता है, जो किसी का असीर होता है, उसको हम कैप्टिव कहते हैं। ये कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आम तौर पर एक मेन प्रोडक्ट होती है और दूसरी उसकी ऑपरेशनल पार्ट होता है। जिस तरह रेजर ब्लेड मॉडल आप समझते हैं कि एक रेजर है और उसके ऊपर ब्लेड फिक्स किए जाते हैं, जो शेव करते हैं वो इस बात को समझते होंगे। अच्छा, आप चूंकि हमारी ऑडियंस में फीमेल्स भी हैं
तो वो मिसाल लेते हैं। दूसरा इसका जो वर्जन होता है उसको कैमरा रील मॉडल कहते थे पहले, कि आप कैमरा बाय कर लेते हैं, पुराने जमाने की बात है, आप तो डिजिटल का जमाना है, तो कैमरा आपने बाय कर लिया, उसमें आप रील्स ऐड करते हैं। इसको इंक प्रिंटर मॉडल भी कहते हैं, यानी आप प्रिंटर है और उसके अंदर कैटरेज जो आप इंक की डालते हैं। तो इसमें कंपनीज करती ये हैं कि जो मेन प्रोडक्ट होती है, अच्छा इसको आप मोबाइल सिम कार्ड एयर टाइम मॉडल भी कह सकते हैं आप ज्यादा बेहतर समझने के लिए, कि इसमें सिम कार्ड आपको फ्री मिल जाता है या बहुत सस्ता मिल जाता है, क्योंकि जिसके पास सिम कार्ड होगा वो एयर टाइम भी बाय करेगा। सिम कार्ड तो वंस बाय करना है, लेकिन एयर टाइम तो बार बार आपको उसको एक्टिव रखने के लिए बाय करना पड़ता है। इसी तरह से प्रिंटर सस्ता होगा, इंक कैटरेज महंगी होगी। और जब जिस जमाने में हम देखते थे कैमरा निस्बतन सस्ता देते थे और रील में बहुत सारे पैसे कमाते थे, इसी तरह से रेजर सस्ता दे दिया और ब्लेड पे पैसे कमा लिए। इसमें करते ही हैं कि मेन प्रोडक्ट सस्ता देकर कस्टमर को कैप्टिव बना लेते हैं, और फिर जो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है, जो उसका एक्सेसरी होती है असल में, जिससे वो प्रोडक्ट यूज होता है, उसको बेच के पैसे कमाए जाते हैं। क्लियर हुआ आपको? ग्रेट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग है। देखिए, बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो बनाई जाती हैं ना, उनके कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे हैं। जिस तरह अगर आप देखें तो जो शुगर चीनी बनती है शुगर केन से, उसमें चीनी एक प्रोडक्ट बनती है, और उसके बाद जो शुगर केन जो गन्ना इस्तेमाल होता है उससे बाय प्रोडक्ट्स भी निकलती हैं। इसी तरह ऑलमोस्ट मेटल से बनने वाली हर प्रोडक्ट का स्क्रैप होता है, लेदर से बनने वाली प्रोडक्ट का भी स्क्रैप होता है, वो बाय प्रोडक्ट कह लें आप उसको, एक तरह से बाय प्रोडक्ट होती है। अब वो बाय प्रोडक्ट बहुत वैल्यूएबल नहीं होती प्रोड्यूसर के लिए, लेकिन उसको उसकी कैरिंग कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही होती है। वो ये अच्छा वो उसके लिए तो एडिशनल चीज होती है, लेकिन किसी और सेगमेंट या किसी और इंडस्ट्री में वो एज ए इनपुट इस्तेमाल हो सकती है। तो फिर जो इस तरह प्राइस आप करते हैं कि जिसमें वो बाय प्रोडक्ट की प्राइसिंग होती है, उसको बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग कहा जाता है, और इससे कंपनीज की कॉस्ट कम हो जाती है। और प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग में आखिरी हमारे पास प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग होती है। देखिए, बाज़ूकात ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं, आप शर्ट्स भी बेचते हैं, आप नेकटाइज भी बेचते हैं, आप कफ लिंक्स भी बेचते हैं, अच्छा आप रुमाल भी बेचते हैं। अब इशू ये है कि आपकी कोई प्रोडक्ट तो ज्यादा अच्छी बिक रही है, कोई ज्यादा स्लो है। आप करते ये हैं कि आप बंडल बना देते हैं। इससे लगता ये है कस्टमर को कि अगर वो इन चीजों को अलग अलग खरीदे तो उसको महंगी मिलेंगी, लेकिन अगर वो इनको इकट्ठा खरीद ले तो उसको निस्बतन ज्यादा वैल्यू कम प्राइस में मिल जाएगी। ये कस्टमर का एंगल है। प्रोड्यूसर का ये होता है कि उसकी स्लो सेलिंग प्रोडक्ट्स भी बंडल में निकल जाती हैं, जो कि अकेले निकल नहीं रही होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच।